नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तक। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लगातार पॉजिटिविटी दर भी घट रही है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जारी है कोरोना का जानलेवा आतंक। आखिर वजह क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना जानलेवा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये वजह है दिल्ली में हर दिन 300 से ज्यादा मौतें जो कोरोना की वजह से हो रही हैं। कोरोना दिल्ली में अभी भी आतंक मचा रहा है, लगातार लोगों की जान ले रहा है। 15 मई की बात की जाए तो 15 मई को भी दिल्ली में कोरोना से 337 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा 300 से नीचे आने को तैयार नहीं हो रहा है। लगातार कोरोना का जो कहर है वो दिल्ली वालों पर दिखाई दे रहा है। ये बात सही है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस अब कम आ रहे हैं। ये भी बात सही है कि अब धीरे धीरे जो मामले हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पेशेंट इस वक्त क्रिटिकल है, जो मरीज इस वक्त गंभीर स्थिति में है, उन्हें बचा पाने में अभी बहुत मुश्किल आ रही है। और यही वजह है कि हर दिन 300 के करीब मरीज दम तोड़ रहे हैं, और इसके पीछे है कोरोना। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि किस तरह से एक एक दिन कोरोना ने दिल्ली में कितने लोगों की जान ली। 10 मई को दिल्ली में 12,651 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और 319 लोगों की जान चली गई। 11 मई को 12,481 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। इस दिन 347 लोगों की जान चली गई। 12 मई को कोरोना पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी देखी गई। 12 मई को 13,287 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए और 300 लोगों की मौत हुई। 13 मई को 10,489 कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए और 308 लोगों की मौत हुई। 14 मई को 8,506 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और 289 लोगों की मौत हुई। वहीं 15 मई को कोरोना पॉजिटिव केसेस में काफी कमी देखी गई। इस दिन 6,430 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। 15 मई को 337 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में अभी भी कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार 300 से ज्यादा लोगों की जान दिल्ली में कोरोना की वजह से जा रही है। अभी भी दिल्ली वालों को जरूरत है कि वो अपना एहतियात रखें, वो हर जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, समय समय पर डॉक्टर से सलाह लें। अगर कोरोना का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जरूरी दवाइयां शुरू कर दें। सही वक्त पर सही उपचार ही कोरोना से बचा सकता है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी इस मामले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्थिति अभी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई है।